तो डूबते हुए बॉलीवुड को बचाने के लिए तैयार है अपना एसआरके यानी कि अपना पठान। फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। हाल ही में हमें फिल्म का छोटा सा टीजर देखने को मिला है जहां हम देख सकते हैं जॉन को एक सिंपल से लुक में, वहीं दीपिका भी तैयार है एक्शन करने को। बट फैंस को जिसका इंतजार था यानी कि पठान का, उसका हमें कोई लुक नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक शैडो और यानी कि शाहरुख खान की आवाज़ जो कि एक डायलॉग मारते हुए दिखते हैं। बट फैंस इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि हमें शाहरुख का कोई लुक नहीं दिखाया गया है, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई गई है। और फैंस इससे भी नाराज़ हैं कि फिल्म की रिलीज डेट एक साल के लिए टल गई है, यानी कि फिल्म अब दिखने को मिलेगी हमें 25 जनवरी 2023, यानी कि फैंस को अभी एक साल लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। स्टोरी में हमें जॉन अब्राहम एक ड्रग्स माफिया का किरदार निभाते हुए दिखेंगे, वहीं शाहरुख ड्रग्स से दुनिया को बचाते हुए दिखेंगे, वहीं दीपिका भी उनका साथ निभाते हुए दिखेंगी। अब फिल्म में क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो तो हमें पता चलेगा फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर ही, जो कि फिल्म का ट्रेलर हमें सितंबर या अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें देखने को मिलेगी टाइगर 3, क्योंकि टाइगर 3 के लास्ट सीन में हम देख सकते हैं पठान को। लीक्स तो ऐसे ही, अभी लीक्स कितनी सच हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।